सारे लोग जागरूक हो गए हैं, हर लोग समझ रहे हैं कि कहाँ हमको वोटिंग। सबसे बड़ी समस्या हमारे बिहार के पलायन है, जो नौजवान पढ़ लिख लेते हैं, कोई काम नहीं हमारे पास। उत्तर प्रदेश क्या बोलते हैं, दिल्ली हरियाणा, यहाँ तक विदेश भी लोग पेपर ले लेते हैं और पढ़ते पढ़ते वही कुर्सी पे सो जाते हैं और बच्चा कहीं और टीचर अपना सो कर काम कर रहा है। अभी तक तो नहीं देखिए, अभी तक नहीं। पिछले जो सांसद थे उनके मुकाबले अब जो सांसद आए या गए या रहे, उतना विकास हमको नहीं दिख रहा। पिछले खराब थे अच्छे थे, विकास दिख रहा था। हम बहुत अच्छे हैं, विकास नहीं दिख रहा। विकास जो विकास कर दिया जाएगा, जात धर्म पे कोई वोट देने का मतलब ये नहीं है। देखिए कितना समस्या है, नाला वहाँ देखिए बेसिक स्कूल है, उसका नाला एनी टाइम बहता रहता है, इसकी समस्या का समाधान हो ही नहीं पाता। नमस्कार, मैं रफीक अहमद, मैं इस वक्त हूँ सिवान के आंदर बाजार पे, जहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस न्यूज़ के जरिए, हमारे न्यूज़ इंडिया तक के जरिए पता चले कि लोगों के पास जो विकास की धारा है यहाँ से बहती हुई गुजरी है कि नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। और हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो युवाओं की आवाज़ है, हमारा देश दुनिया के सबसे युवाओं देश में से एक है, जहाँ पे 65% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो 35 साल से कम की है, यानी कि युवाओं देश में जो सबसे युवा देश है वो हमारा देश भारत है। लेकिन क्या युवाओं की जो बातें हैं, नौकरी से लेकर उनके जो फैसिलिटीज़ से लेकर, उनके सड़कों से लेकर, जिस तरह की फैसिलिटीज़ देने की बात हुई थी 2014 के वक्त, वो चीज़ मिली है कि नहीं, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अपनी जनता से। जनता ही है जो अभी 2019 के इलेक्शन जो आने वाला है लोकसभा का, जो ये तय करेगी कि 2019 में किसकी सरकार केंद्र में आएगी। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहा। क्या मतलब लगता है कि जो रोजगार से संबंधित और बहुत सारे सड़क बनाने को, स्कूल बनाने को, बहुत सारी बातें, सड़क बनाने को है, हाँ, और तो, क्या कहने का है, बस सब कुछ नहीं है, नहीं सड़क पर पानी लग रहा है, सड़क पर पानी लग रहा है, हाँ। और कोई क्या मतलब कोई ऐसा विकास का मामला इधर नहीं दिखाई दिया जो मतलब लगा कि 10 साल में बहुत कुछ बड़ा हो गया? कुछ नहीं बड़ा हुआ है, कुछ नहीं बड़ा हुआ है। क्या चाचा? वो अच्छा भाई बन, मुखिया जी आज बन रहे, मुखिया जी नहीं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्या बात है। तो बहुत 74 के है जी जी जी, मगध यूनिवर्सिटी का मैं उस समय छात्र संघ का प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा, और अंदर ही के घर रहने वाले हैं? हाँ, वही मगध यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे। तो ये अंदर में ही रहने वाले हैं आप लोग? जी जी। तो ये हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे थे चाचा कि 2014 में जब इलेक्शन हो रहा था जी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छी बातें कहते थे कि, या कहे थे, कोशिश कर रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, बहुत सारे गाँव को हम आदर्श बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर बहुत सारे गाँव में से हम कोशिश ये करेंगे नए नए प्लांट बैठाने की। क्या लगता है, कुछ धरातल पर नजर आया है? हम अभी तो आप पब्लिक के से आइडिया ले रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पर अगर भाजपा के लोग अगर रहते जी, तो मैं उन लोगों से ये बात पूछते कि 2014 में जो आपने वादा किया था, उस वादा को कहीं भी अपने भाषण में आप नहीं जिक्र कर रहे हैं कि कौन सा वादा किया और कौन सा वादा आपने पूरा 5 साल में किया। अच्छा, तो ये सवाल एक मिनट। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब स्मृति ईरानी जो कपड़ा उद्योग मंत्री थी, एक शब्द भी हमारे यहाँ जो सूता कारखाना बंद है उस पर एक शब्द भी नहीं उन्होंने बोला, और सारा टाइम अपना जो है शहाबुद्दीन के नाम पर बोलते रह गई। तो उसको तो बंद है फैक्ट्री, उसके बारे में बोलना चाहिए, क्या विकास का काम करना है उसके बारे में बोलना चाहिए। सवाल शहाबुद्दीन का नहीं है, सवाल अजय सिंह का नहीं है, यह देश का चुनाव है, पूरे पार्लियामेंट का चुनाव है। तो पार्लियामेंट के मेंबर जो केंद्रीय मंत्री है, वह अगर अपना बात नहीं रखता है और किसी का शिकायत में समय बर्बाद करता है, ये मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ। अभी मैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जो भी वादा कर रहे हैं सब झूठ वादा कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो नरेगा का महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना जो लागू किया, वो मनमोहन सिंह ने लागू किया है या नरेंद्र मोदी ने लागू किया? कोई करता है कि आइए हम आपको 15 लाख रुपए देंगे जी, तो आप चले जाके वोट दे दीजिएगा?
नहीं, अब झूठ वादा जनता मानने के लिए तैयार नहीं। राहुल जी बोल रहे 72,000 देंगे तो आप उस पर जाके वोट दीजिएगा? सवाल 72,000 का है हाँ। ना सवाल रुपया देने या लेने का सवाल है हाँ। सवाल है जो हम कहें वो करें हाँ। अगर हम अभी क्या है, अभी क्या है, हम आपको बोलने देंगे हाँ। बोलने देंगे चाचा, समझिए अभी यहाँ लड़ाई नहीं हो रहा, यहाँ पे और भी लोग हैं, और भी एक नंबर बात बोल रहे हैं अच्छा, लेकिन और भी लोगों के प्रतिक्रिया लेना है, समय कम है, समझे ना। बहुत बढ़िया बोले हैं, मैं आप आइए ना, आप आइए, आगे आ जाइए, अरे ताली बजा रहे, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, हम कह रहे हैं कि बाबा जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कह रहे का मतलब है कि बाबा अपनी बात रख रहे हैं, बाबा लोगों कह देंगे कि भैया ये कांग्रेसी इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि जो युवा है, जो वोटर है, जो मतदान करता है, जिसके ऊपर जिंदगी का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, इनके पास नौकरी नहीं है, ये तो मान लीजिए कि चचा अभी हमारे बुजुर्ग हैं, नौकरी की इनकी जरूरत कम है, लेकिन हमें है, आपको है, इनको जरूर है, तो क्या मतलब आप इस वादा पे वोट दीजिएगा फिर से? नहीं, वादा की बात नहीं है, अभी जो बाबा बोले हैं वो बहुत अच्छा जो है समय का अध्ययन किए हैं जी, अध्ययन के हिसाब से अपना जवाब दे रहे हैं, इसलिए उनको फिर से मौका दिया जाए, अपना विचार फिर ऊपर कट करें। बच्चों से हम बात करेंगे क्योंकि देश के भविष्य है, ठीक है, जो भविष्य है उनसे बात करना जरूरी है, क्या लगता है बाबू वोट देते हो नहीं देते हो? उम्र नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ है। अच्छा, टीवी वगैरह न्यूज चैनल देखते हो? हाँ, देखते हैं। क्या लगता है मतलब कि वहाँ पर जो बातें होती हैं मोदी जी की या राहुल जी की, अच्छा लगता है सुनने में? अब पॉलिटिक्स में तो हम उतना जाते नहीं है, जाते हैं। अच्छा, अभी हमारे नेता लोग घूमेंगे अंदर में सिवान में इधर उधर, और आपसे ये नहीं बोलेंगे हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन आप हमारे जात धर्म के भाई हैं तो आप हमको वोट दीजिएगा? नहीं, जो काम अच्छा करे उसको वोट देंगे। क्या कहते हैं भैया? ना ना, ऐसे किसे वोट दे देंगे, वोट दे दीजिए एकदम, कुछ नहीं, सारे लोग जागरूक हो गए हैं, हर लोग समझ रहे हैं कि कहां हमको वोटिंग करना है और किससे सुरक्षा होना है, बस। तो बच्चा लोग के दिल दिमाग में क्या लगता है, आप लोगों को जात धर्म पे वोट देना चाहिए? नहीं नहीं बोलिए, नहीं देना चाहिए, नहीं नहीं, विकास के विकास के विकास के ऊपर। हमारे यहाँ सर सबसे बड़ी समस्या अपने बिहार की है, सबसे बड़ी समस्या हमारे बिहार के पलायन है, जो नौजवान पढ़ लिख लेते हैं, कोई काम नहीं हमारे पास, उत्तर प्रदेश क्या बोलते हैं, दिल्ली हरियाणा, यहाँ तक विदेश भी लोग जाते हैं, किस लिए आते हैं? पेट के लिए। हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए, कम से कम यहाँ का पलायन रुके, लोग को यहाँ रोजगार मिले, नौकरी मिले, ताकि अपने बाल बच्चे के साथ यहाँ सुख से रहे, बस। बिल्कुल। चाचा एक बात और बताइए, अभी जो नोटबंदी हुआ था उससे कुछ फायदा नजर आया है? नोटबंदी तो इसलिए किया गया कि जो ब्लैक मार्केटिंग के लोग थे, जो काला धन रखे हुए थे, उनको व्हाइट मनी में बदलने के लिए नोटबंदी किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी की मैं गरीब लोग जो लाइन लगा करके जितना कष्ट सहे, कोई पूंजीपति मुकेश अंबानी हो या अनिल अंबानी है या डालमिया है या आपको टाटा बिरला मित्तल जितने भी कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, वो लोग किस लाइन में खड़े थे जो उनका करोड़ों करोड़ों रुपया परसेंटेज पर उनके घर पहुंचाया गया? यही नोटबंदी था। नोटबंदी पहले भी हुआ था, लेकिन इस तरह का नोटबंदी नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ हम इस चैनल टीवी चैनल से, जैसे कि अब देख रहे हैं कि जो प्रतिक्रिया लोगों को देखने को मिली हाँ। कि लोग ताली बजा रहे थे कि नोटबंदी पे, तो हम और लोगों भी से पूछते रहेंगे कि नोटबंदी से क्या फायदे हुए थे, क्या लगता है आपको कि नोटबंदी से कुछ देश को फायदा हुआ था? नोटबंदी से देश को फायदा नहीं, उल्टे नुकसान हुआ था, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई थी। अगर फायदा नजर आता तो आज देश सोने की चिड़िया बन गया होता, क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ कहा था कि मुझे कुछ दिन दीजिए और मैं देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा, तो वो तो सोने की चिड़िया नहीं बना। हमें हिंदुस्तान में क्या चीज़ चाहिए, जो मेन हमारा ये है, रोटी कपड़ा मकान, ये मेन जो चीज़ है वो हर इंसान को चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य, इस पे जब तक काम नहीं होगा, हमें 15 लाख नहीं चाहिए, हमें 15 लाख नहीं चाहिए, हमें तो जो मूलभूत सुविधा है वही चाहिए, 15 लाख का सवाल तो बाद में देखेंगे हम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने प्रधानमंत्री से कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पे जोर दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और कहा गया था चाचा, आप लोग भी बताइएगा, युवा लोग हैं कि युवा लोग से, हाँ बोल दीजिए हाँ। एक सवाल मैं पूरे जनता के सामने रख रहा हूँ, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने GST लागू किया 2014 के जो लोकसभा चुनाव हो रहा था,
उसमें उन्होंने कहा था कि हम करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 3,32,000 छोटा छोटा फैक्ट्री जीएसटी के चलते ताला लग गया, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा हमारे मजदूर और किसान वर्ग के लोग गांव लौट गए और उसमें ताला उसी तरह के लगा हुआ है। तो रोजगार देने के बदले रोजगार लोगों को नहीं मिला, एक जीएसटी से हम लोगों को नुकसान हुआ। जी क्या कह रहे हैं चाचा? जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अच्छा, अभी एक चीज और भी था, किसानों की समस्या को लेकर और जवानों की बातों को लेकर बहुत प्रचार हुआ था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप क्या लगता है, इधर की सड़क वड़क वगैरह, स्कूल वगैरह बढ़िया है, सफाई वफाई सब रहता है? स्कूल की बात मत करिए, स्कूल का तो कोई यहाँ शिक्षा का कोई नाम ही नहीं, शिक्षा कोई नाम नहीं, सफाई वफाई तो बहुत अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सफाई भी नहीं है, कुछ नहीं, पूरा कचरा है, पानी हेल के आदमी आता है, कचरा हेल के आता है, सफाई है। जब बारिश होता है तो पूरा रोड पे मतलब पानी रहता है और पूरा पैर पानी में रहता है। जहाँ तक आप शिक्षा की बात की है, आज हम लोग नजर से देखते हैं स्कूल में कोई भी टीचर है जाते हैं, ऐसे ऐसे कोई टीचर है कि पेपर ले लेते हैं और पढ़ते पढ़ते वहीं कुर्सी पे सो जाते हैं और बच्चा कहीं और टीचर अपना सो कर काम कर रहा है, तो क्या देश को सही करेगा टीचर? बच्चा को क्या भविष्य बनाएगा? बहुत अच्छी बात, कुछ नहीं बना पाएगा। मामले में तो वाकई में मतलब कि बहुत ही बहुत गंभीर है मामला, कुछ नहीं है अभी। चाचा तो गार्जियन हम लोगों के, क्या लगता है चाचा, हम लोगों का भविष्य कहाँ जाएगा? भविष्य जो है न, जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन डूब गया है, उसी दिन डूब गया। आज समस्या आप जो है न, अंगड़ी पर खाए के होगे के ये सब जुड़ाइएगा तो जुड़ाते रह जाएगा। 70 वर्ष में क्या समस्या का समाधान हुआ कि आप जो है 2-4 दिन में खोजते हैं, लेकिन उसके बीच में भी अभी जो विकास की बात हो रही है इसको देखकर सिवान में कुछ विकास की गंगा बही है कि नहीं? अभी तक तो नहीं दिखी है, अभी तक नहीं बही। पिछले सर पिछले जो सांसद थे उनके मुकाबले अब जो सांसद आए या गए या रहे उतना विकास तो हमको नहीं दिख रहा है। पिछले खराब थे अच्छे थे विकास दिखता था, हम बहुत अच्छे हैं विकास नहीं दिख रहा। सड़कें ये तो एक रेगुलर मूड में बनती है, तरीका एक रेगुलर मूड में चलता है। स्टूडेंट के लिए क्या हुआ, किसान के लिए क्या हुआ, सर एक मिनट प्लीज सर, किसान के लिए क्या हुआ, व्यवसायी के लिए क्या हुआ, एक आम आदमी के लिए आपने क्या किया, हॉस्पिटलिटी के लिए आपने क्या किया, कौन से ग्राफ पे आप जा रहे हो, ये मेन चीज़ होता है देखने को। हम उनके खोखली बातों में नहीं है, हम ये सोचेंगे कि हमें क्या मिला, किसान को क्या मिला, स्टूडेंट को क्या मिला और आम आदमी को क्या मिला, इस पर वोट देंगे, इस पे वोट दीजिए। कुछ ऐसी चीज़ों पे बात होती है जो हमारे आस्था से जुड़ी हुई बातें रहती हैं, तो क्या लगता है आप लोग फिर भी उसी में आस्था के नाम पे, जात धर्म के नाम पे वोट देने के लिए कोई लेने के लिए आता है तो आप लोग क्या सोच के वोट दे देते हैं? क्या चाचा, आप तो दुनिया देखे हुए, क्या लगता है देना चाहिए जात धर्म पे वोट? धर्म पर वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, धर्म पर वोट नहीं देना चाहिए, जात पर वोट नहीं देना चाहिए, नहीं नहीं विकास पर वोट दिया जाएगा, जो विकास पर वोट दिया जाएगा, जात धर्म पे कोई वोट देने का मतलब ये नहीं है। नेताओं के अंदर में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि वो स्टेज पे खड़े होकर ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, वो आतंकवादी? नेताओं के ऐसे हिम्मत नहीं है, ये सारा पब्लिक हिम्मत दे देता है उनको बोलने को, वो चांस दे देता है, नहीं तो नेता को क्या हिम्मत है, कुछ नहीं है। पब्लिक के आगे नेता जो है जीरो है, ठीक ना? अगर पब्लिक चाहेंगे तो पब्लिक के आगे नेता जीरो है, कुछ नहीं है, पब्लिक ही उसको हीरो बनाएगा और जीरो बनाएगा। लेकिन पब्लिक के ही बदौलत उतना आगे वो बढ़ चुका है और अपना मनमानी कर रहा है। जहाँ तक वोट की बात है तो जात धर्म पे वोट नहीं लिया जाता है और नहीं दिया जाता है। आप विकास का काम दिखाइए, सड़कें साफ दिखाइए, नाला दिखाइए, जो है कि पढ़ाई पढ़ाई को जो है कि विकास आगे बढ़ाइए। हमारे बिहार में बात बोले हैं चाचा कि 3 सिवान में शुगर फैक्ट्री था, बताइए अगर आज चालू रहता तो किसान गन्ना भी उगाते, नौजवान नौकरी भी करते और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को भी नौकरी मिलती, अनाज रखने के लिए जगह रखने वालों को भी नौकरी मिलती। पचरुखी का जो चीनी मिल था पहले चालू था, इससे पहले उसको बंद कर दिया गया और उसके बाद जमीन भी वहाँ पे उसी के चलते श्याम बहादुर सिंह जो विधायक थे बड़हरिया का इस्तीफा देने का इस्तीफा दिए थे, उनका स्वीकार नहीं किया गया था, फिर उनको मना कर जिसका वहाँ दखल। अभी तो सुनने में आया कि एको का जो मेन मुद्दा है वो है विकास का, नौकरी मिलनी चाहिए, है ना? ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा सर, आज तक अंदर में देखिए कितना समस्या है, नाला वहाँ देखिए बेसिक स्कूल है, उसका नाला एनी टाइम बहते रहता है, इसकी समस्या का समाधान हो ही नहीं पाता है सर, नहीं होता है। क्या बाबू,
वोट दोगे? ठीक है तो का मुद्दा सर यही है कि नौकरी मिले, हम लोग का जॉब मिले, बिहार में हम लोग का कंपनी बैठे, ताकि हम लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कहीं हम लोग ना जाए जॉब करने के लिए। हम लोग पेट के लिए सर विदेश तक जाते हैं, पंजाब तक जाते हैं, अपने बीबी, अपने माँ और अपने बाप को छोड़कर, बाल बच्चा को छोड़कर। वहाँ पे जाने के बाद भी वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, जीरो बराबर रिस्पांस मिलता है। जो नौकरी वहाँ पे हम करके खाते हैं, वहाँ पर भी क्यों नहीं कर खाएं? हमारे सरकार देगी तभी ना, तो इस सरकार को क्यों हम अच्छा माने, कैसे अच्छा माने? न सड़क सही मिल रहा है, न नाला मिल रहा है, न पढ़ाई मिल रहा है, न शिक्षा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम इसको क्यों अच्छा कहें? हमको वो चाहिए कि काम कराए हम लोग के बीच में। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़क जो है पूरा कचरा से भरा हुआ, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, तो सफाई के नाम पे और कचरा के नाम पे मतलब इधर कुछ काम हम नहीं होता है। देखिए विकास तो सिवान में हुआ ही नहीं, काहे नहीं हुआ? जो भी प्रत्याशी आता है जीतने के लिए शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर के लोगों को डरा करके वोट लेकर चला जाता है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं इतने सिवान जो है हमारा घर है, गाँव है, इसमें आग लगा रहे हो कि एक तरफ बुरके वाली है, एक तरफ भगवाधारी है। हमको बुरके वाली और भगवाधारी से क्या लेना देना है? हमको तो विकास चाहिए ना सिवान में। मत आ जा कि दाढ़ी वाले और ये वाले। हमको तो विकास चाहिए सिवान में। जो विकास शहाबुद्दीन साहब के रीजन में हुआ है, अभी 10 साल में देख लीजिए, उस एक को विकास नहीं हुआ है। सिर्फ उनके नाम पे डराया जा रहा है लोगों को कि तिहाड़ से आएंगे तो खा जाएंगे, बाघ हैं। विकास का बात कोई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी धर्मेंद्र कुमार सिंह। धर्मेंद्र भाई, तो एक बात बताइए कि ये सोच लोगों को क्या नहीं समझ में आता है कि मतलब कि धर्म के नाम पे लोग, देखिए जनता इतनी पूर्वक अब नहीं रही है, सबके समझ में आ गया है कि क्या करना है, किसके साथ जाना है, कौन हमारा विकास करेगा। क्राइम और लड़की के लिए बढ़ गया, मतलब बलात्कार वगैरह सब हो रहा है फिर से, है ना? बात तो सही है। तो चाचा ये बताइए कि अभी 2014 में आप सब लोगों को पता है कि मोदी जी आए थे तो बहुत बेचारे मेहनत किए थे प्रचार प्रसार करने में कि हम आएंगे तो महिलाओं के अधिकार की बात, महिलाओं के सुरक्षा की बात, कचरा सफाई की बात, उसके लिए टैक्स लगाना शुरू हो गया था, सेस जो होता है, मतलब धरातल पे क्या दिखाई दे रहा है? यही सब दिखाई दे रहा है? स्कूल ये स्कूल है ना? जी हाँ, स्कूल है ना? क्या मतलब ये सब यहाँ पे आप लोग गुजर रहे हैं, मेन बाजार हमको लग रहा है कि आप तो देखिए रहे हैं यहाँ का कचरा कितना। तो मतलब कोई आप लोग किसी अधिकारी से या किसी नेता लोग से बात नहीं करते? पहले बार हम लोग को हार चुके। क्या लगता है कि मतलब सिवान में परिवर्तन जो होगा वो केंद्र में परिवर्तन करेगा? आशा तो हम लोग का ऐसे ही है। आशा ऐसे ही है, होना चाहिए कि नहीं खाली ही बताइए? ना ना, होना चाहिए, चाहे होना चाहिए, क्या है मतलब जो वादा मोदी जी के, वादा कोई पूरा नहीं है। अच्छा, नौजवान लोग भी हैं यहाँ पर, लोग देखिए अलग अलग राय है सबकी, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ पूरा हुआ है, कुछ लोग कह रहे नहीं हुआ है। भैया कुछ बोलिएगा। अनिल भैया, माता जी। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब ये बाजार में जो पूरा गंदगी वगैरह देख रहे हैं, इतना बढ़िया मतलब खूबसूरत सा मौसम है, उतना ही बढ़िया दुकान है, लेकिन ये सड़क पर चलने में दिक्कत हो रही, क्या आप लोगों को लग रहा है कि मतलब इधर सफाई वाली जो मोदी जी का अभियान था ना बेहतरीन, वो इधर पूरा नहीं हुआ था? भी पूरा हुआ है, आप ही बताइए। नहीं हुआ है। कौन सा पूरा हुआ है? आप लोग बताइए। 15 लाख मिला, 2000 युवाओं को नौकरी मिला, 2 करोड़ हाँ 2 करोड़ बोलते हैं कि 4 हम लोग बेचेंगे पढ़ लिख कर। महंगाई को लेकर हमारे सरकार जो थी बहुत ही उपाय कर रही थी कि महंगाई आएंगे तो खत्म कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार, पेट्रोल का दाम सब सब का क्या है? देखिए कोई भी सरकार अगर आएगी तो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, ये महंगाई का कारण होता है जनसंख्या, और हमारे यहाँ जो जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होता है। तो महंगाई जो घटाने की बात हुई थी वो जब तक जनसंख्या घटेगा नहीं तब तक महंगाई बढ़ता है। अच्छा बताइए कि जब जनसंख्या नहीं घटेगा, किसी के पास भी भर कटने से बारे में वादा कहने का, तो इसके बारे में जो वादा करते हैं कि कोई भी भविष्य के लिए सोचता है कि बात करता है, अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हमको दूसरी ढंग से इस महंगाई पर काबू प्राप्त करें, अगर ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोग हैं आंदर के बाजार में इस वक्त सिवान में, जहाँ पर हम लोग लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे कितने उत्सुक हैं ये देखने के लिए कि बात क्या हो रही है। बाबू ये सब जो है ना आपके भविष्य को बनाने की कोशिश हो रही है कि सही नेता चुनकर आएगा तो आपके लिए शिक्षा का अच्छा इस्तेमाल करेगा, बनाएगा आपको, पढ़ाई लिखाई करके कामयाब बनाने की बात करेगा, फिर आपके लिए नौकरी का इंतजाम करेगा, है ना?
आप लोग सड़क पे घूमते हैं, सफाई रहेगा तो बीमारी नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों की जिंदगी के लिए जितने लोग बात कर रहे हैं ना, ये आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग भी बेटा जब बड़े होइएगा तो आप लोग ये मत सीखिएगा कि कौन मेरे जात का है, कौन मेरे धर्म का है, कौन मेरे पंथ का है। आपको ये देखना है कि हम पढ़ाई लिखाई किए तो हमको नौकरी काहे नहीं मिल रहा है। ठीक है, मानिएगा ना जी। बोलो जोर से जी।